इस अवसर पर इस पावन धरा पर उपस्थित के चेयरमैन सदगुरु निरंजन दास जी, उनके सभी सहयोगी और शिष्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बड़ा पावन दिन है। आज से 646 वर्ष पूर्व काशी की इस पावन धरा पर एक दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण हुआ, जिन्होंने तत्कालीन भक्ति मार्ग के प्रख्यात संत सदगुरु रामानंद जी महाराज के सानिध्य में अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की थी। और आज उनकी सिद्धि के प्रसाद के फलस्वरूप मानवता के कल्याण का मार्ग किस रूप में प्रशस्त होता है, यह हम सबको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। आज हम 646वीं पावन जयंती के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को, सभी भक्तों और श्री गोवर्धन से जुड़े हुए सभी शुभचिंतकों के प्रति अपनी लख लख बधाई देता हूं। जो बोले सो हम सब जानते हैं, भक्ति के साथ साथ कर्म साधना को सदगुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोलने बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए एक जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है, उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं,
उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत काल खंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम 21वीं सदी में विश्व पटल पर भारत को निश्चय ही नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। इसी विश्वास के साथ संत रविदास जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। संदेश कुमार, हाँ, इधर इधर तो।